Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. बॉलीवुड में रीना रॉय को उन गिनी चुनी चंद अभिनेत्रियों के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने अपने बोल्ड अभिनय से सिने प्रेमियों के दिलों पर अमीट छाप छोड़ी है। आज रीना रॉय के बर्थडे पर बताते हैं उनसे जुड़ी ये दिलचस्प और अनसुनी बातें। रीना रॉय ने अपने करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म जरूरत से की थी। जरूरत बॉक्स ऑफिस पर कोई खास करिश्मा नहीं दिखा सकी, लेकिन रीना रॉय को इस फिल्म से अलग पहचान मिली। 1973 में रीना रॉय को जितेंद्र के साथ जैसे को तैसा में काम करने का अवसर मिला, जो उनके करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। फिर 1976 में रीना रॉय ने दो हिट फिल्में नागिन और काली चरण दी। राजकुमार कोहली के निर्देशन में बनी फिल्म नागिन में रीना रॉय ने इच्छाधारी नागिन की दमदार भूमिका निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए रीना रॉय सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित की गई। नागिन की ब्लॉकबस्टर कामयाबी के बाद रीना रॉय इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हो गई थी। 1977 में रिलीज हुई फिल्म अपनापन रीना रॉय के करियर की उल्लेखनीय फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म के लिए रीना रॉय को सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। रीना रॉय ने 70s और 80s के दशक में अपनी बोल्ड अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया था। साल 2000 में प्रदर्शित जेपी दत्ता की फिल्म रेफ्यूजी में रीना रॉय ने आखिरी बार काम किया है। रीना रॉय ने अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।